कोंडागांव जिले के नाम से संचालित पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि यहां जिला मुख्यालय से दूसरे जिला बस्तर जिला में संचालित किया जा रहा है, जिसके चलते वहां पर पढ़ने वाले 96 बच्चे को बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं यहां पॉलिटेक्निक करने आया हूं, जो कि 3 साल का कोर्स है। मैं किराए के मकान में रह रहा हूं, जिसका रेंट 2 से 3 हज़ार रुपये हमें पड़ता है। तो परेशानी किस चीज़ का है? परेशानी तो पैसे का ही होता है, क्योंकि यहाँ से जगदलपुर की दूरी 100 किलोमीटर पड़ती है, जिसके कारण हर बच्चे एफर्ट नहीं कर पाते, और इसी कारण बहुत से बच्चों ने छोड़ भी दिया है पढ़ाई। तो कितने बच्चों का ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है? ये 96 बच्चों ने एडमिशन लिया था, पर अभी उसमें से 20 लोगों ने तो कम से कम छोड़ ही दिया, और बहुत लोग आते भी नहीं है कॉलेज। नहीं आने का कारण क्या है? रेंट पे जो रहते हैं उसका पैसा या खाने पीने का पैसा जमा नहीं कर पाते, जो क्योंकि वो बहुत गरीब घर से हैं। हम लोगों ने करीब 2 महीने पहले कलेक्टर से बात की थी, उन्हें निवेदन भी किया था, पर उनके तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कोंडागांव में कॉलेज लगता तो सभी के लिए ज़्यादा सुविधा होती, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से हो पाता, और अपने घर वालों को भी वो थोड़ा टाइम दे पाते। संबंधित विभाग से अनुरोध करना चाहूँगा कि वे इस कॉलेज को कोंडागांव में संचालित करें, ताकि गरीब तबके के बच्चे पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं वो यहाँ पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। मैं खीरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए, कोंडागांव, छत्तीसगढ़।